गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। आज बनाने लगे हैं मूली का पराठा, शैली जी की डिमांड पे। शैली जी ने बोला है दिल्ली से कि आप कैसे मूली का पराठा बनाते हो। ये देखो जी, मूली मैंने क्रश कर ली है, बारीक वाले से करती हूँ, मोटे वाले से नहीं, जिससे छोटा आना चाहिए। ये इसमें अभी पानी मैंने निकाल लिया है और उसका आटा गूंद लिया है। कभी भी मूली के पानी, अगर पानी निकालना है आपको तो उसी आटे पानी को वेस्ट नहीं करना है, वही आटे में डाल के गूंद लेना, ताकि जो मूली के फायदे हैं ना हमको मिलने चाहिए। एक मूली घस के मैंने इसका आटा रस निकाल के गूंद लिया है, जिसका रस निकाल के आटे वाला पराठा बनेगा, आटे में डाल के स्टफ पराठा। और ये मैं बनाऊंगी मक्की में, पानी रखा हुआ है, इसको मक्की डाल के इसमें गूंद लूँगी, क्योंकि पानी को हमको ख़राब नहीं करना, ये ताकत वाली चीज़ है। इसके बहुत फ़ायदे हैं मूली के, बॉडी को डिटॉक्स करती है, बहुत कुछ मिलता है, इस पानी को वेस्ट नहीं करना है, समझे। एक मूली का रस निकाल के मैंने आटा गूंद लिया है, इसमें मैं मक्की का डाल के बनाऊंगी। मेरे घर पे बेटा खाता है मक्की वाला, मैं भी खाती हूँ। और आटे वाली जो गोभी का पराठा आज मैंने वीडियो बनाना है, उसके लिए ये लूंगी 2-3 हरी मिर्चें और अदरक। और इस जो पानी निकला हुआ मूली से बनाऊंगी पराठा, बहुत अच्छा। और जब मैं मक्की वाला बनाती तो उसमें मैं लहसुन भी कूट के डालती हूँ, हरा लहसुन भी डालती हूँ, और साथ में खूब सारा धनिया। चलो जी, तैयारी करते हैं पराठे की। चलो बनाते हैं शैली जी के लिए पराठा मूली वाला। शैली जी जो दिल्ली से हैं, अभी मैंने जिनको गिफ्ट भी भेजा था तो उनको ड्रेस भी बड़ी अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच शैली जी, आपने मुझे फोन पे बताया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं आप सबके लिए हूँ, प्यार से वीडियो बनाती हूँ। देखो शैली, मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये मैंने इसका पानी निकाल दिया, एकदम सूखा कर लेना है। और नरम वाली मूली घसनी, छोटी वाली, देखो ऐसे। अभी देखो इसमें बिल्कुल पानी नहीं, मैं भरवा पराठा बनाऊंगी आपके लिए, जैसा कि शैली जी ने बोला है। ये देखो, इसमें सिर्फ अदरक डालना है और हरी मिर्चें डालनी है, लहसुन भी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें इस फ्लेवर में नहीं डालूंगी, आप ट्राई कर सकते हो। देखो मैंने लहसुन हरी मिर्ची भी कूटा हुआ है, लेकिन मैं खाली अदरक और ये कटी हरी मिर्चें डालूंगी। अभी आपको दिखाती हूँ, चलो जी कैमरा नीचे हो जाओ। तवा एकदम गरम कर लीजिए और भरवा पराठा कैसे बनता है देखो मेरे साथ में। पहले इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले। मूली में क्या क्या डालूंगी देखो, मूली में मेन चीज होती है अपने हमको मसाले कौन से डालने हैं। शैली जी ध्यान से, आपके लिए, सबके लिए है, लेकिन शैली जी ने रिक्वेस्ट की है, शैली जी ने इसके लिए। देखो जी, थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी मैं अजवाइन, मूली के पराठे में अजवाइन जरूर डालनी है। देखो पूरा पानी निकला हुआ, जरा भी पानी नहीं है। अभी इसमें डाल देंगे जितनी आपके पास मूली वो हिसाब से मिर्चे। अस्मिता धनिया की तरह जल्दी धनिया दे। ये देखो जी अदरक, अभी मूली कम है तो अदरक भी कम लूंगी। अगर आप दो मूलियां बड़ी बड़ी कर रहे हैं तो पूरा अदरक डाल सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा कम। थोड़ा धनिया दे, धनिया जरूर डालना है। अभी इसके ऊपर हाथ से हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे रेड चिल्ली। देखो जी रेड वाली मिर्ची डालनी है जरूर, इसके ऊपर अच्छी लगती है। ये वाला मैं बनाती हूँ इस फ्लेवर का मूली का पराठा। देखो जी हाथ से इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देना। नमक डालने के बाद पानी छूटता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप बनाओ ही तभी, एकदम जब रेडी हो गए तभी बनाओ, जब आपका आटा वाटा तवा रेडी है, आई मीन जब खाने वाले रेडी हैं। ये देखो हाथ से हमने मिक्स कर लिया। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं इसका एक वर्जन और बताती हूँ मूली के पराठे का, कि मूली को ही इसी रुकी रहे, मूली को ही हमको गूंद लेना आटे में। लेकिन आपने भरवा पराठा बोला है इसके लिए, चलो भरवा पराठा बनाते हैं। ये देखो जी हमारा ही हो गया मिक्स। अभी कई लोग इसमें अमचूर भी डाल लेते हैं, आप चाहो तो डाल सकते हो। अभी नमक डालते हैं, इस नमक को हमको मूली को खा के देखना है। ओके है तो चलो भरो। अस्मिता ये रख दे फ्रिज में। चलो अभी तवे के पास चलो, कैमरा एक बार गैस ऑन कर। अस्मिता गैस ऑन कर, मेरा कैमरा रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, चालू कर दे। पहले आपको दिखाती हूँ, हमको दिखाना है कि हमारा भरवा पराठा बनता कैसे है ना। शैली जी ने यही बोला ना, टॉवल दे, गीले थोड़े हाथ है, पोंछ लेते हैं।
देखो जी आटा ले लो, इसका आटे की लोई ना थोड़ी बड़ी लेनी है और सामान भी उसमें उतना ही डालना है, वो भी ज्यादा डालना है, थोड़ी सी बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं है। देखो थोड़ा सा तेल का हाथ लगाओ, मूली का पराठा पानी छोड़ देता है तो सबको ऐसे बनता नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक एक ही आटे में बनाती हूँ हमेशा, मैं डबल नहीं करती हूँ। अभी हाथ में ले लेना और हमको ये मूली को इसमें डाल देना, स्लो कर देगा। देखो जी इसको भर लेना और स्लो हाथों से उसको पैकिंग। और ये हाथ से थोड़ा सा, देखो जी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करना हाथ से, इधर से बीच में से, ये देखो जी। और थोड़ा सा भी लगाएंगे सूखा आटा और ये बन जाएगी सुंदर वाला मूली का पराठा। ये देखो पूरा गोल बनेगा रोटी जैसा, देखो बेलन उठाऊंगी भी नहीं, फिर भी देखो कितना अच्छा। और यहाँ पे अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा सूखा आटा डाल दो। अभी डाल देंगे इसको हम अपने तवे पे, बस बस बस। देखो जी अभी इसको उठाया और ये जी कभी कभी चिपक जाती है चकले के साथ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उसको हाथ से पैक मार के थोड़ा सा सूखा आटा लगा के उसको पैक कर देना। देखो क्योंकि मूली जितना भी करेंगे मूली पानी छोड़ती ही है, लेकिन फिर भी बन जाते हैं, कोशिश करेंगे तो बन जाते हैं, एक बार दो बार आपका टूटेगा कोई टेंशन नहीं, खाना तो तोड़ के ही है ना। अभी डाल देंगे इसमें तेल, इसको डालते ही इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ ताकि वो नीचे अगर जरा भी पानी वानी है आटे में तो चिपकता नहीं है। ये भरवे पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं मूली के, आप मूली का भरवा पराठा बनाने में डरो मत, ऐसे एक पराठे में बनाओ बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो इसको कर देंगे पलटी, और जब साइड में अगर टूटे भी तो थोड़ा सा उसको ऐसे दबा के, जैसे जिंदगी सेटिंग से चलती है ना, हम अपनी सेटिंग करते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही हमको रोटी पराठे की भी सेटिंग करते जाना है। सूखा आटा ज्यादा हो जाए तो उसको तवे को साफ कर दीजिए। शैली जी है ना अच्छा, जितने लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं सबको आज का मेरी तरफ से मूली का पराठा। देखो जी तेल तो लगता ही है, तेल लगाना ही आपको, मैं ऊपर से अच्छे से घी लगाऊंगी। देखो जी पूरा पैक पराठा बन गया ना, एकदम गुदगुदा मोटा सा, जितना क्रिस्पी करना अच्छे से क्रिस्पी कर लो, कोई टेंशन नहीं। कहीं भी मूली आपको दिख रही है बाहर, जितने भी मेरे पेज के लोग मुझे लवली किचन को फॉलो करते हैं, बनाइए, बनाते बनाते ही प्रैक्टिस होगी, बन जाएगा। देखो जी कितना अच्छा, कहीं से भी टूटा नहीं। अभी करते हैं गैस बंद और इसके ऊपर लगाते हैं अच्छे से घी। घी के बिना पराठा नहीं अच्छा लगता, देखो जी। और घी जब डालना है तो ऐसे चम्मच उसके अंदर मार देनी है ताकि घी अंदर चला जाए। रेडी हो गया, अभी करते हैं हम इसकी प्लेट। आ जाओ तवे से उतर जाओ पराठा। ओह देखो जी है ना सुंदर पराठा। एक दिन मैं अभी कैमरा ऊपर करूं और अपना चेहरा दिखाती हूं आपको, फिर दिखाती हूं मैं पराठे की एक और बात। देखो जी मैंने फोन को बिल्कुल बंद नहीं किया, डायरेक्ट वन शॉट बनाया और आपको दिखाया। मूली के पराठे को दही के साथ बहुत अच्छा लगता है, पंजाबी लोग दही के साथ खाते हैं। देखो जी पूरा का पूरा पराठा, देखो कहीं से भी टूटा नहीं, मस्त वाला पराठा बनाइए खाइए। और इन चीजों से जो लोग डरते हैं ना, नहीं बनता, बिल्कुल नहीं सोचना, बनता है। एक बार टूटेगा, एक बार फूटेगा, दूसरी बार बनेगा। देखो अभी भी मूली पड़ी है, अभी भी इसके दो पराठे बना दूंगी। अगर आपको डर लगता है इसको और निचोड़ लो, लेकिन निचोड़ने से उसका असर चला जाता है। जो भी पानी निचोड़ना है उसी का ही आटा गूंद लेना है, ताकि कैल्शियम है, हमको मूली का कैल्शियम हमको पूरा चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओहो ये गर्मा गर्म मेरा मूली का एक बाइट आप सबके लिए, थैंक यू। मूली का पराठा, ओहो हाथ भी जलने लग गया जी, बहुत गर्म है। मैं खाती हूँ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।